बिल्कुल दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है, देखिए आज का अपना टॉपिक है एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आल जीके क्वेश्चन। दोस्तों अभी इसमें 5000 लिखा हुआ है, लेकिन 5000 नहीं, इसमें कुछ कम क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि 5000 लिखा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वेरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 28 फरवरी को कब मनाते हैं दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व की अगर बात करें तो दोस्तों विश्व का है माउंट एवरेस्ट। विश्व की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अगर बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू है। भारत का कौन सा है? केटू। अगला क्वेश्चन, तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, अगर तीन अक्षर किसी का नाम होगा वो उल्टा सीधा दोनों तरफ से गिनेंगे तो एक समान होगा, तो ये होगा नए। इधर से भी गिने तो भी नया ना आएगा, दूसरे भी गिने तो इधर से भी गिने तो भी नया नहीं आएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप समझ रहा, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पोलावरम दोस्तों गोदावरी नदी की तरफ, यहाँ पे पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ पे? गोदावरी नदी किनारे। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस नदी बना हुआ है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य के लोग मनाते हैं? बिहू किस राज्य के लोग मनाते हैं? दोस्तों बिहू है असम का लोक नृत्य। कहाँ का है? बी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, असम का लोक नृत्य। कहाँ का लोक नृत्य? असम का लोक नृत्य। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाता है? दोस्तों 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का है दोस्तों केटू। भारत का है, बी ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, केटू। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जिसको बोलते हैं गाडविन आस्टिन भी बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बोलते हैं केटू, उसको गाडविन आस्टिन भी बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का है। माउंट एवरेस्ट कहाँ का है? विश्व का है। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? आपके एमपीपीएससी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, उनमें से लिया हुआ है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? तो दोस्तों ये बिहार राज्य से। किस राज्य से? बिहार राज्य से। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, अपना शैवाल का अध्ययन है हाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों को लेते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी नीचे वाला क्वेश्चन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, एंथोलॉजी। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।